अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। देखिए आज मैं आपको छोले मुर्गे की रेसिपी दे रही हूँ। छोले मुर्ग कहता है कोई, छोले कोई, चिकन मुर्गे मुर्ग चने कहते हैं, मगर यहाँ समझेंगे नहीं। छोले चने चिकन 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 ही कहना पड़ेगा, चिकन और छोले। तो देखे मैंने रात भर ये 250 ग्राम छोले लिए थे। आजकल सर्दियां हैं तो मैंने रात को भिगो देते, 4-5 घंटे में भिग जाते हैं। रात में मैंने इनको 250 ग्राम छोले भिगो के धो के और मैंने उबाल लिए। देखिए बिल्कुल उबले हुए, इतना उबाल लिए जैसे अल किसी बस 10% रह गए तो मुर्गी के साथ गलेंगे। इसके साथ ये छोले 1 किलो मैंने चिकन धो के अच्छे से धो के वो करके निचोड़ के ये रखा हुआ। 1 किलो चिकन है, 250 ग्राम छोले जो आधा किलो बन जाते हैं फूल के, ठीक है। अच्छा ये 1 प्याज बड़े मीडियम, ठीक है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 250 ग्राम दही है, हरी मिर्च है, धनिया, ये काली मिर्च और जीरा है, ठीक है। और ये है एवरेस्ट का छोले मसाला, ये देखिए ये डलेगा पूरा पाउच, ये छोटा पाउच है 1 किलो मुर्गे का ही, ठीक है। तो अब देखें और थोड़ा सा इसमें घर का मसाला जाएगा, हल्दी मिर्ची धनिया थोड़ा सा जाए लो बस। ये देखें मैं डालना शुरू कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये मैंने ऑयल लिया है, आप अपने ऑयल हिसाब से ले लो, ये मैंने अपने हिसाब से लिया, ठीक है। ये मैं प्याज इसके अंदर डाल रहा हूँ। चलिए ये हो गई प्याज, इसको लाल करनी है, 2 मिनट हो जाती है, ठीक है। डाल तो इसके साथ सबको, हाँ मैं सब चीज़ें डाल दूँगी आपको, पानी वाली चीज़ें डाल दूँगी आपको, मुर्गी के साथ हो जाएगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल लेंगे, जल्दी डाल दूँगी, ठीक है। फरीन कह रही कैमरा में कि जल्दी हाथ से लाया करें मम्मा। ये मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ, ये देखें ये छोटा हमारे 7-8 ग्राम का चिकन आता है, बड़ा नहीं पसंद करते बच्चे, उसमें बड़े में ज़्यादा जायका नहीं, जायका सब चीज़ में होता है, लेकर दिया हुआ है, मगर यह है कि थोड़ी जो छोटी चीज़ें होती हैं अच्छी है। ये मैं इसके अंदर अभी 2 मिनट तक पीस देंगे, पहले लहसुन डाला, प्याज डाली, चिकन डाला, ऐसे थोड़े से घर के मसाले जाएंगे, ठीक है। ये अपने हिसाब से मैंने मिर्चें लिया, ठीक है। ये हो गए मिर्च, चिली पाउडर ये हो गया। जब ये चीज़ें बनाते हैं छोले वगैरह ये दाल वगैरह तो उसमें धनिया कम जाता है, ये हो गया धनिया, ये हो गए हल्दी पाउडर, ठीक है। ये हो गई, इसके साथ दही, दही डालूंगी ताकि दही के साथ ही घूमता हुआ आ जाए। चिकन जो डाला है मैंने मसाले और दही, दही पानी छोड़ेगी अभी, चिकन पानी छोड़ेगा तो इसमें ही सब चीज़ें गल जाएंगी। चिकन भी जैसे गलाना है भून कर, नमक जाएगा सिर्फ 5 मिनट बाद ही, अगर आप पहले से नमक डाल देंगे तो दही फट जाएगी, शोरबा नहीं बनेगा, इसके जो है गांठे बन जाएंगे। ये देखें फिर वही बात करूँगी, अल्लाह का नाम लिया करें, अल्लाह का जिक्र करा करें, नमाजों की पाबंदी कराए, मुझे अल्लाह की हमद सना करें, अल्लाह से कोई तकलीफ है दुख है गम है रंज है आप अल्लाह से बात करा करें, अल्लाह से अपने अल्लाह को दोस्त बना लें, अल्लाह से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, कोई किसी का राज नहीं रखता, अल्लाह एक ऐसे वाहिद अल्लाह है कि सबके राज रखता है, सबकी सुनता है, सबको अदा करता है, हर अपने इंसान के मुताबिक अल्लाह अदा करता है हर चीज़ अपनी, हर अपने बंदे को। ये देखा ठीक है, ये हो गए, उसको भूनना है, भूनने के बाद जब भी गल जाएगा तब इसके अंदर ये छोले डालेंगे, ये सारे मसाले डालूंगे जब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। चलो इन गला चुकी ना मैं चले, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देख मैं अपने हिसाब से अब इसके अंदर थोड़ा वो हो गया ना, दही ने पानी छोड़ दिया, अब नमक डालूंगी, अपने हिसाब से मैंने नमक डाला, आप हर चीज़ थोड़ा कम बढ़ती कर लिया करें, ये नहीं कि बस तरीका देख लें कि किस तरीके से बनाती हूँ दादी नानी उसी तरीके से आप बनाया करें, तो जब दादी और नानी हो तो मार लाजमी बात है कि बहुत सालों से बना रही हूँ तो हर चीज़ का तरीका अच्छा होता है, जायका भी अच्छा आता है। चले बस अब मैं इसको आपको आगे दिखाऊंगी, सब मसाले डालूंगी, ये मसाला जब तैयार हो जाएगा चनों के साथ डालूंगी, ठीक है, ये गर्म मसाला और ये सब साथ डालूंगी। चलो बिस्मिल्लाह, चिकन
चिकन गल चुका है, इसके अंदर भुन भी चुका है, भुन गया ना। अब देखो जो मैंने डाले थे छोले ऐड करेंगे, ठीक है। जब ऐसी चीजें बनाए करें ना थोड़ा पलटना टाइप ले लिया करें, उससे ना ये चिपक का वही मसाला छूट जाता है। ये देखिए बस थोड़ा सा जैसे पानी ऐड करूंगी अपने हिसाब से, माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसके अंदर मैं और मसाले डालूंगा जो मैंने आपके लिए रखे हुए। थोड़ा सा और इसका मुझे अपने हिसाब से रखना है बस। अब मैं इसमें अभी दो चार खत के आएंगे, ये सब घुल मिल जाएगा, सब कुकर में भी छोड़ जाएगा। चखने के बाद हिसाब से डालूंगी। बहुत अच्छा जायका है, नमक बिल्कुल सही है। कोई खुला हुआ नहीं ला, खुला हुआ निकला। चलो अलग कर दूँ निकला। ये मसाला, ये वाला मसाला, ये पैकेट भी फटा हुआ निकला अंदर से। ये मैंने एवरेज का छोले मसाला, एवरेज का छोले मसाला, ये थोड़ा सा, ये काली मिर्च और जीरा, बस थोड़ा सा ये। चलो एवरेज का छोला मसाला दो चार खत के आएंगे इसके अंदर, जो कम बेसी थोड़ा सा मैंने आधे चने तोड़ दिए हैं और आधे साबुत हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक बार फिर मैं इसको चक्कर देखती हूँ, दूसरा स्पिन उठाऊंगी, ये चखूंगी। सब कुछ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सब कुछ सही है, सब कुछ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कम हो। चलिए देखिए इंशाल्लाह मैं अब डिश में डालूंगी, फिर मैं आपको इसको दुल्हन बनाऊंगी, ठीक है। देखें चलिए, ठीक है, चलिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको सब, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको दोनों जहाँ की खुशियाँ अदा फरमाए, अल्लाह दीन दुनिया के, अल्लाह आपकी सबकी उम्रों में बरकत अदा फरमाए। अल्लाह जो बहन और भाई मेरे दीनी बहन और भाई देखते हैं, जो भी नहीं देखते, अल्लाह मोमिन आते मोमिन मुस्लिम है मुस्लिम, अल्लाह सबकी माफ़त फरमाए, अल्लाह सबको कब्र के अज़ाब से, दोज़ख की आग से बचा। अल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आला अली। तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं डिश में निकाल रही हूँ, ये देखें मुर्ग चना, मुर्ग चना देखें, दिख रहा है ना चने, अलग मुर्ग कर जो भी आप क्या कहते हो, वही हमारे चिकन चने, छोले चने, छोले चने, ये देखें कितने अच्छे से छोले चने, दोनों छोले और चने भी, छोले कहते हैं लोगों को समझ नहीं आया ना, चने छोले, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने अच्छे से बनाए मैंने। हमारे ना हड्डी वाले कम हड्डी वाला खाते, तो मैं इसके जो बोनलेस होता है वो निकाल लेती हूँ, निकालने के बाद फिर किसी दिन उसमें शामी कबाब या जैसे कीमा बनवा लेती हूँ बोनलेस का, या जैसे कोफ्ते बना लेती हूँ बोनलेस को भी काम में लेती हूँ, वो बोनलेस निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये अब इसमें मैंने सब चीज़ें डाल दी, पहले से मैं डाल चुकी सब में। और ये देखें नींबू, इसकी जड़ ये देखें, ये नींबू है, और ये इसके साथ लगती है हरी मिर्च। अगर आप चाहे इसको हरी मिर्च चटनी से भी खा सकते हैं, आप चाहे तो दही से भी खा सकते हैं, आप चाहे प्याज से भी खा सकते हैं, आप चाहे टमाटर से भी खा सकते हैं, टमाटर सब चीज़ें खा सकते हैं, सलाद के साथ। चलो रेडी चने भी जा रहे हैं दस्तरखान में, बच्चों को बचा रहे हैं कि अम्मी आ जाए, अम्मी आ जाए, फरीन अपनी भाभी के पास चली गई तो ऊपर, इसलिए देर हो गई निकाल लेंगे। चलो जाओ भाई जल्दी जाओ, बच्चे आ गए दुकान।